भाजपा की पूर्व महामंत्री एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पार्टी पर दावा बोलते हुए कहा कि महिला विरोधी तो केवल मात्र कांग्रेस पार्टी है, जहां उनके वरिष्ठ नेताओं के बयान इस बात का सबूत देते हैं और उनके मुख्यमंत्री एवं सरकार इस बात की पुष्टि करती है। अगर उनकी नीयत सही होती तो पहले से सरकार बनते ही यह प्रति माह 1500 रुपये महिलाओं को कांग्रेस सरकार देना शुरू कर देती, पर उनकी नीयत ही साफ नहीं थी, नीयत में खोट थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने पुनः प्रदेश की जनता को और खासकर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम दोबारा शुरू कर दिया। लोकसभा के चुनावों की घोषणा से 3-4 दिन पहले इस वर्तमान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक और 1500 रुपए देने के लिए एक फार्म निकाला और कहा कि आप फार्म भरिए, 1 अप्रैल से हमारी सरकार आपको 1500 रुपए देगी, 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज 16 अप्रैल हो गई, प्रदेश की एक भी मेरी माता बहन को 1500 रुपए का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, प्रदेश में आपने कहा था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, इनकी संख्या 22 लाख बनती है। आपने फार्म भरवाना शुरू किया लेकिन 1 अप्रैल को 22 लाख में से एक भी मेरी माता बहन को 1500 रुपए नहीं मिला। मुझे याद है कि चुनावों से पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 जनवरी 2023 से हम प्रदेश की 18 से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक माता बहन को 1500 रुपए 1 जनवरी 2023 से देंगे। एक भी पैसा नहीं दिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, माता बहनों ने कुछ अधिक संख्या में कांग्रेस को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया कि 1500 रुपए 1 जनवरी 2023 से मिलेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद यह सरकार बिल्कुल ये भूल गई कि हमने प्रदेश की माता बहनों से क्या वादा किया था। अब जब दोबारा लोकसभा के चुनावों की इनको याद आई कि अब चुनावों में जाना है तो पुनः उन्होंने फार्म भरवाने का काम शुरू किया। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी